एंड स्टूडेंट्स हम कंपेयर करते हैं वैलेंस बॉन्ड थेरी को और मोलिकुलर ऑर्बिटॉल थेरी को दोनों का स्टूडेंट्स कंपेरिजन करें तो सिमिलैरिटीज कुछ ऐसे हैं कि दोनों कोवलन बॉन्ड फॉर्मेशन पे इलेबोरेट करती हैं दोनों को उसके अलावा स्टूडेंट्स दोनों ओवरलैपिंग डिस्कस करती हैं अटोमिक ऑर्बिटॉल्स की यानी कि लीनियर ओवरलैप भी डिस्कस करती हैं और लेटरल या साइडवाइज ओवरलैप भी डिस्कस करती हैं यानी कि इन अदर टर्म्स सिग्मा और पाए बॉन्ड्स को डिफाइन करती हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बारे में बताती हैं और ये बताती हैं कि जो ऑर्बिटॉल्स हम फिल करते हैं जैसे स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी मैंशन किया कि जो आपके ऑफ पॉप प्रिंसिपल हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हैं इनको अच्छे से फॉलो करती हैं स्टूडेंट्स मूविंग फॉरवर्ड हम कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं जो कि वी और एम के दरमियान एग्जिस्ट करते हैं स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी पढ़ाते हुए मेंशन किया था वी जब हम डिस्कस कर रहे थे थॉरली कि वी कहती है कि जस्ट आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ कूल बॉन्ड जबकि एम कहती है कि तमाम इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं जैसे कि हमने एम ओ टी डाग्राम्स ड्रा की वन एस के लिए टू एस के लिए दैन टू पी के लिए यानी कि हमने तमाम मोलिकुलर ऑर्बिटॉल्स को अटामिक और मोलिकुलर ऑर्बिटॉल्स को मद्देनजर रखा उसके बाद स्टूडेंट्स वी बी ये कहती है कि जो अटोमिक ऑरबिटॉल्स हैं वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते जबकि स्टूडेंट्स इट इज़ क्वाइट एविडेंट इन द केस ऑफ एम कि टी के अटोमिक औरबिटॉल्स अपनी आइडेंटिटी लूज करके मॉलिकुलर ऑर्बिटॉल्स बनाते हैं जिनको हम अलग अलग तरीके से मैंशन भी कर रहे होते हैं उसके अलावा स्टूडेंट्स वी का एक ये शॉर्ट थी बहुत बड़ी कि ये आपको पैरा और डाया बिहेवियर के बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करती थी जबकि स्टूडेंट्स हमने देखा कि एम अच्छे से बताती है कि कौन सा मॉलिक्यूल पैरा है कौन सा मॉलिक्यूल डाया मैगनीटिक है उसके अलावा स्टूडेंट्स वी में बॉन्ड ऑर्डर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था जबकि एम में बॉन्ड ऑर्डर का एक डेफिनेट कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है ये बताती है कि मॉलिक्यूल्स के, के दरियान कितने बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं उसके अलावा स्टूडेंट्स एम आपको स्टेबिलिटी के बारे में बताती है यानी कि अगर बॉन्ड ऑर्डर डेफिनेट वैल्यू प्रोजेस कर रहा है तो इसका डेफिनेटली ये मतलब है कि जो आपका मॉलिक्यूल है वो स्टेबल है स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है अगर इसकी वैल्यू जीरो होगी तो ये हमें बताएगा कि मॉलिक्यूल की फॉर्म में आपका जो रिक्वायर्ड एलिमेंट है वो एग्जिस्ट नहीं करता है जैसे कि हमने मोनोटॉमिक गैसेज में देखा जो कि नोबेल गैसेस थी जिनमें हीलियम आर्गोन नियन तो इनकी मोनोटॉमिक नेचर को अच्छे से लेबोरेट करती है मोलिकुलर ऑर्बिटॉल थेरी उसके अलावा स्टूडेंट्स मोलिकुलर ऑर्बिटॉल थेरी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है एज कंपेयर टू दैट ऑफ वैलेंस बॉन्ड थेरी